हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ले चल रही हूँ अच्छी सी जगह लखनऊ महोत्सव। आज मैं वहाँ का ब्लॉग डालूंगी, तो मैं सोच रही हूँ आप सबको भी वहाँ की सैर करा दूँ। तो चलिए चलेंगे ना मेरे साथ लखनऊ महोत्सव, तो चलिए चलते हैं, आपको घुमाते हैं वहाँ पर। देखिए फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ आप लखनऊ महोत्सव, आप देख सकते हैं। तो मैं ले सकती हूँ आपको अलग तक, आइए चलते जाओ ना, दो दे जाओ पूरेगा। तो देखिए आप लोग लखनऊ महोत्सव घूमिए भाई मेरे साथ साथ। ये देखिए, और ये देखिए तंदूरी चाय, राज भेलपुरी, सुपर सॉफ्टी, अंडा रोल। किसको किसको खाना है भाई? तो वो ये मेरी सिस्टर, सिस्टर हेलो सिस्टर की बेटी सोना, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, वॉइस ना बाद में डाल, वो बाद में कर देंगे जहाँ पे आवाज सही नहीं आएगी। बता दें बस छोटे छोटे ब्रेक में, ब्रेक में कर लीजिए। स्टैंड भी है या बैंगल भी रख सकते हो? 150। ये देखो बहुत सुंदर है, सबसे कम वाला कौन सा? यहाँ से भी कीरिंग देख लेते हैं थोड़े बहुत। ये कैसे लगा? कम वाला कहा कि लेना, बहुत तेज सुबह रही है। 10 का 50 से 50 कीरिंग कैसे? चलो सोफे पे बैठ जाओ, फोटो खींच ले। शिवानी दक्ष नहीं बैठ सकते, रखे कौन थी लोगों का? कहाँ से लाए हैं सामान? ये धूप बहुत तेज हो रही है गाइस, बहुत तेज धूप है। सोना चलो आप, हाँ
घूमते रहिए मेरे साथ साथ लखनऊ महोत्सव आप सभी लोग, है ना। एंट्री है नहीं, एंट्री है नहीं, उधर से आना, यहीं खड़ी रहो, इधर से आ जाएगी ना पूरी। इधर आओ सोना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम देखो देखने है। अरे इधर इधर इधर, वीडियो बना रही हूं, फोटो ले, फोटो ले लेंगे, वीडियो बना लेते हैं, छोटा सा फोटो ले लेते हैं। देखो चलो उधर, देखो चलो उधर, अलाउड नहीं है, ट्विटर मतलब मेरे को मालूम है। हां हां, मैंने कुछ जगह है ये दुकान में, बढ़िया बढ़िया चटपटी लगी। ये भैया कैसे लगी मूली वाली? अनार वाली 40-100 ग्राम, मुँह में पानी आ रहा है। और ये पानी आ रहा है ना मुँह में? हाँ, चटपटी चटपटी। रास्ता रास्ता बनाने जब भीड़ हो ना, जब तो मैं कुछ नहीं करता। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और नाम का बनवाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के नाम का। देखिए ये सहारनपुर की लकड़ी का लाट लगाया है क्या भैया? अच्छा लगा रहे हैं, बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं? मैम सहारनपुर से आए हैं, वहाँ पे सब वुडन का काम होता है और वुडन का की रिंग फर्नीचर सब बनता है वहाँ पे, कारी का काम बहुत जी, हैंडीक्राफ्ट आइटम है सब, हाथ से बनाते हैं, छोटी छोटी मशीनें होती है इसकी, हैंडीक्राफ्ट आइटम है। और ये वार्निश है, इसमें डाल देते हैं जी, ये वार्निश है, इसमें डाल देते हैं इसको, इसमें इससे शाइनिंग आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बनकर के कितनी जल्दी तैयार हो गया है, ये बहुत सुंदर बना है, डबल शेड में आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें से निकाल देना मैम, थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, सूखने में थोड़ा टाइम, और अगर घर जाके निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। ये देखिए बन करके तैयार हो गया है ये। हाँ, कहाँ से लेके आए हैं चार, ये इतने सारे बना कर? बताइए आप, आइए, पाली राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से लेके आए हैं, वहीं से सब पूरा प्रिपेयर करके। और स्पेशल कौन सा होता है इसमें, क्या स्पेशलिटी है? ये स्पेशल है हमारा इसका, अंदर ये क्या है, ये किस चीज़ का? अदरक लहसुन की चटनी है, अदरक लहसुन की चटनी है, सबसे ज्यादा ये होती है। अच्छा, दूसरा ये अथाना मिर्ची है, राजस्थान में ही होती है। अच्छा, तो इसमें भरवा है ये ना, राई की बनी होती है, गोल गोल लाल लाल मिर्ची। अच्छा 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 अच्छा, वो नहीं आई है, जोधपुर की तरफ होती है क्या? ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये देखिए मिर्च का लिया है, लाल मिर्च का अचार, बहुत मेरी बेटी को पसंद है, ये बेटी को बहुत पसंद है, ये देखिए देखिए में पानी आ रहा है। बनाते हैं आप ये? सूजी और बेसन का बनता है, सूजी और बेसन का पराठा। अच्छा, ये पराठा है, ये हलवा दिखा। अच्छा अच्छा, कितने में दे रहे हैं? भैया ऊपर से भी देना सब, ये सब लगा करके, ये पूरा सब, ये भी सब लगा के दो अच्छे से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ के खाने जा रहे हैं मेरठ का मशहूर हलवा पराठा। तो ये देखिए, बैठो भाई बैठो सब लोग, तो ये टेस्ट करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। मेरे की दिल्ली के छोले भटूरे। अच्छा देखिए, बेटा मेरा इधर हलवा पराठा खा रहा है और दिल्ली के छोले भटूरे उसको याद आ रहे हैं। दिल्ली के छोले भटूरे टेस्ट करते हैं भाई। काजू मैं खा लूंगा, ऐसे नहीं कबाब पराठा खाऊंगी। क्या आज देख लिया? देख सकते हैं कितना बड़ा फूड स्टॉल है लखनऊ महोत्सव में,
और दूर तक नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा दूर तक खेला है। तो मजा लेते रहिए मेरे साथ लखनऊ महोत्सव का, यहाँ के खाने का खाओ। आई मैडम बोलो, 50 रुपए केक अदर एक बच्चे। कितना बढ़िया बैठने का इंतजाम है, देख लीजिए आराम से चारपाई पे बैठ के खाइए। और ये छोटी सी टेबल लगी हुई है, देखिए एल्युमिनियम फॉइल में लिपटी हुई। तो हम लोग खाने जा रहे हैं कबाब पराठा। तो बस अब देखिए शाम भी हो रही है और जैकेट चढ़ चुकी है हम लोगों के। कबाब पराठा खाएंगे ना, देखिएगा। और हम लोग सब बैठे हुए हैं, मुँह में पानी आ रहा हो तो आ जाइएगा आप लोग भी लखनऊ महोत्सव घूमने, एक दिन अभी बाकी है। कैसे दे रहे हैं? 20 रुपये कुल्लड़। क्या स्पेशलिटी? क्या स्पेशल है इसकी आपकी राजस्थानी है? मसाला तो मसाला वसाला सब आप प्रिपेयर करके पूरा रखते हैं पूरा। अब इसमें डालेंगे सब मसाला पड़ा हुआ है, खाली दूध डालना रह गया है। बॉईल इसको डालेंगे। अच्छा अच्छा, इसको मतलब हाँ, पहले आप इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं ना। बॉईल के फिर दूध। अच्छा अच्छा, देना है? हाँ, एक निकाली भैया, टेस्ट कर लें पहले, फिर और ऑर्डर देते हैं। पहले सहारनपुर में बहुत काम होता है। सहारनपुर से तैयार रखे हाँ, लग रहा है ये फायर पान। ये कहाँ का है? ये दिल्ली का है ये। अच्छा दिल्ली में हमारा स्टॉल है। अच्छा दिल्ली में स्टॉल लगता है आपका? नहीं भैया, फायर पान नहीं खाना है। बहुत थकान हो गई और ज़्यादा सब कुछ कर दिया, और आप लोगों को भी घुमा दिया। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को?